बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए स्नैक्स की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप इसको सिर्फ एक कप मैदे से और दो आलुओं से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं और ये बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं और बाहर से इतने क्रिस्पी होते हैं और अंदर से इतने ही सॉफ्ट और मज़ेदार होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट, मेरी छोटी सी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपकी मेहनत और पैसे ज़ाया ना हो। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कप छाना हुआ मैदा लिया है, आधा चम्मच इसमें नमक ऐड किया है और दो चम्मच ऑयल के ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको नॉर्मल पानी से गूँध लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गूँध लेंगे और नॉर्मली जिस तरह से हम घरों में आटा गूँधते हैं उस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। आटा गूँध चुका है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के तो कम से कम 10 मिनट का स्टे दे दिया। यहाँ पर फिलिंग रेडी कर लेते हैं। दो उबले हुए आलू लिए, इनको मैंने मैश कर लिया। आधा प्याज ऐड किया है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, एक बारीक कटिंग हुई सब्ज मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और एक चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे। स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैदे को स्टे दे दिया है हमने। अब इसके छोटे छोटे से हमने पेड़े बना लेने हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में और कम बजट में ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पेड़ा कर लिया छोटा सा, इसको हमने इस तरह से बेल लेना है। इसके ऊपर ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इस तरह से हमने दोनों साइडों से इसको फोल्ड कर लेना है। अब दोबारा से इसको इस तरह से एक दफ़ा और फोल्ड कर लेना है हमने। दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि हमारा आटा नीचे ना चिपके। अब हम इसको हल्का सा बेल लेंगे और इस तरह से दोबारा से इसको रोल कर लेंगे। अब रोल करने के बाद हमने इसको सेंटर से कटिंग कर लेना है, टू पीसीस कटिंग कर लेंगे इसके। इसके दो अदद स्नैक्स बन जाएंगे। इसी तरह से आप बाकी भी स्नैक्स रेडी कर लें। अब यहाँ पर एक अदद पेड़ा ले लेंगे और इसमें जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी थी इसमें फिलिंग ऐड कर देंगे और इस तरह से हमने इसको इसकी साइड से बंद कर देना है और इस तरह से हमने थोड़ा सा प्रेस कर देना है। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स इस तरह रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बाकी भी सारे रेडी कर लिए हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे जिससे हमारे स्नैक्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। एक और बात कि हमारा जो ऑयल है वो नीम गर्म होना चाहिए, फुल गर्म ऑयल में बिल्कुल भी हमने इसको कुक नहीं करना। बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लेना है। पहले एक साइड से हल्की आंच पे फ्राई कर लें, फिर दूसरी साइड से। देखें कितने मज़ेदार से हमारे फूले फूले से स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, कच्चे नहीं रहे। तो अब यहाँ पर इस तरह से हमने दोनों साइडों को अच्छी तरह से हल्की आंच पर फ्राई कर लिया है। देखिए कितने मज़ेदार से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे, बाकी भी हम स्नैक्स इसी तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और इतने ही यम्मी लग रहे हैं कि आप इसको डीटम के तौर पर लाजमी ट्राई करें। इस रेसिपी को अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में दें। और काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।